नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 9 सितंबर। सबसे पहले एग्री डेस्क को ओवरव्यू देखना है तो हमें एग्री डेस्क देखना है। कल के सेशन में हमने एग्री डेस्क के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली देखी, जिनसे हमने एक्सपेक्ट किया था, और प्राइजेस 1106 पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 0.25% की गिरावट के साथ। चार्टिकली अगर हम देखें, ये अवर्ली चार्ट है, आप देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट आ रहा है वो 1090-92 के आसपास है। इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है मार्केट में बड़ी बिकवाली बढ़ सकती है। जब तक प्राइजेस ये इचिमिको क्लाउड के नीचे है, ध्यान मंद है, नीचे में सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट है, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज का 1093 पे, उसके नीचे 1085। तो ओवरऑल इंडिकेटर लाइक RSI, वर्टेक्स, चौपी इंडिकेटर सभी दिखा रहे हैं कि मार्केट में बिकवाली रहेगी। अगर एग्री डेस्क में गिरावट है तो आप समझ के चलिए जो 10 कमोडिटी का समावेश है एग्रेस में, इन सब में भी बिकवाली हावी रहेगी। चाहे हम कैस्टर, चैना, कोरिएंडर, कॉटन सीड ऑयल के, गवार कॉम्प्लेक्स, जीरा, मस्टर्ड, रिफाइंड सोया और सोयाबीन की बात करें, कल के सेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जिस ढंग से हमने देखा कि एग्रीडेस में गिरावट थी, उसी का रिप्लिका हमने सोयाबीन में देखा, जहां पे हमने 1.5% की गिरावट, सोया रिफाइन में 0.5% की गिरावट। ध्यान रखिए, सोयाबीन में हमने पहले भी कहा था कि क्रॉप साइज काफी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में आप बिकवाली करके चलिए, 3400 का लेवल तक मिल जाएगा, क्योंकि आप 3800 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है। वही रिफाइंड सोया की बात करें, एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, जो हमने ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किए हैं, आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बेरिश हार्मोनिक पैटर्न मंथली चार्ट पे बना है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आने वाले टाइम में 750 तक का, मैं रिपीट करता हूँ, 750 तक का भी लेवल रिफाइंड सोया ऑयल में देखने मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, हार्मोनिक पैटर्न बना है। मस्टर्ड में जैसे कि हम जानते हैं कि हायर प्राइजेस के चलते इस बार स्विंग काफी बड़ी होगी, 5200 का लेवल एक बार तोड़ता है तो बड़ी बिकवाली के साथ मस्टर्ड खड़ा रहेगा, जो नीचे में मुझे लगता है सीजन में 4400-4500 का भी लेवल दिखा देगा। बट ये 3-4 महीने आगे का व्यू बता रहा हूँ, एज ऑफ नाउ मार्केट में उछाले पे बेच के ही चलना है, थोड़ी बहुत और उछाल आ सकती है 100-125 की, बट कभी भी बेच के चलिए। आज के सेशन में भी गिरावट हावी रहेगी, जो 5220 तक का लेवल दिखा देगी। वहीं कैस्टर में हमने देखा कि मल्टी ऑल टाइम 4050 का लेवल नहीं तोड़ पाए, जिसकी वजह से ये मंदी है, जो 3930 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। हल्दी, जीरा दोनों में ही बिकवाली आज भी जारी रहेगी, जो 5650 तक का लेवल हल्दी में, और जबकि जीरा जब तक 14000 के ऊपर नहीं निकलता, 13600 से 13200 तक के भी लेवल देख पाएंगे। धनिया थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है 6650 पे, मे बी अगर 6750 के ऊपर निकल जाता है तो वापस तेजी आ जाएगी। धनिया में हमने शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखा, जबकि जीरा में अभी भी बिकवाली है। चने में हमने अभी भी बिकवाली का कायम देखा है, थोड़ा बहुत आज अगर बाउंस मिलता है 4850-4860 तो बेच के ही चलिए, चने में भी बड़ी बिकवाली हावी रहेगी। कॉटन सीड ऑयल के 1700 के सपोर्ट के लिए बेताब है, ओवरऑल काउंटर अभी भी वीक है, जो 1700 से लेकर 1680 के टारगेट देखने मिल जाएंगे। गवार कॉम्प्लेक्स में आज स्टेबिलिटी रहेगी, खुलेगा नीचे बट लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। मेंथा ऑयल में गिरावट अभी भी कायम है, जो नीचे में 930 तक का लेवल ही दिखाकर वापस बाउंस करेगा। सीपीओ के प्राइसेस में भी गिरावट रह सकती है आज, जो 770 का अगर लेवल ब्रीच नहीं होता है तो 760 से लेकर 745 तक का भी लेवल दिखा देगा। कॉटन के प्राइसेस में आज स्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है, उसका असर मिल सकता है, जो 17200 तक का लेवल दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म कॉटन में स्ट्रांग रहेगा। मस्टर्ड के अगर 2 आवर्स चार्ट की बात करें तो मार्केट अब बिल्कुल क्लाउड पे है, अगर 50-70 के नीचे ब्रेक हुआ तो 5140 तक का लेवल हम मस्टर्ड में देख पाएंगे। RSI भी नेगेटिव है, वॉलिटिलिटी भी बढ़ रही है और वर्टेक्स भी नेगेटिव है। कॉटन के अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो ये बहुत बड़ी तेजी के आसार दे रहा है, जो करीबन 20000 का भी लेवल जल्द आ सकता है, तो कॉटन पे ध्यान रखिए, ट्रेड कीजिए। कॉटन सीड ऑयल केक में 1700 का पहला सपोर्ट और उसके नीचे प्राइजेस 1640 से 1650 तक का भी लेवल दिखा देगा, बाइंग से बचना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।